नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, चांदी के हाथी का उपाय लाल किताब में अलग अलग स्थितियों में करवाया जाता है। अब मैंने जैसे पहले भी आपको कई वीडियोस में कहा है कि कोई भी उपाय जब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाता है उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ आ जाती हैं कि राहु आपकी पत्रिका में किसी भी घर में बैठा हो, राहु का किसी के साथ कॉम्बिनेशन हो, चाहे बृहस्पति राहु हो, शुक्र राहु हो, आप क्या करो जी, चांदी का हाथी रख लो। चांदी का हाथी रखते ही राहु शांत हो जाएगा, राहु का कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये जो उपाय बताने वाले लोग हैं वो ये नहीं समझते कि राहु की जो क्रिएटिविटी है हमें चाहिए। राहु को शांत वहाँ करना पड़ता है कि जहाँ पर राहु से संबंधित समस्याएँ आ रही हैं। और हर उपाय में लाल किताब में स्पेसिफिक हाउसेस के लिए भी लिखा हुआ है कि किन किन जगहों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर हम उसका प्रयोग जनरल करने लगे, जैसे लाल किताब के अंदर लिखा हुआ है कि राहु अगर फिफ्थ हाउस में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, प्रॉब्लम्स कैसी, जो पंचम भाव है ये बृहस्पति का पक्का घर माना जाता है। ये काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो सूर्य का घर आता है, तो राहु अगर सूर्य से संबंधित समस्याएं, यानी सरकारी कामकाज में आपको दिक्कत दे रहा है, या आपकी एजुकेशन में दिक्कत दे रहा है, या किस्मत का लाभ नहीं देने दे रहा, तब राहु पंचम के लिए चांदी का हाथी प्रयोग किया जाता है। लेकिन हो ये गया कि चांदी का हाथी बेचने के चक्कर में उसको हर हाउस के लिए, क्योंकि जब राहु चांदी का हाथी प्रयोग करते कैसे होगा वो मैं आज इस वीडियो में डिटेल में आपसे बात करूंगा लॉजिक के साथ। आप अपना दिमाग लगाइए, आपको अगर लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आप उसी हिसाब से ऐड करें। बाकी अगर आप स्पेसिफिक किसी से भी कंसल्ट करके पूछते हैं कि किस हाउस में या किस कॉम्बिनेशन में करना है, और वो ज्योतिषाचार्य आपको कहते हैं कि ऐसे में रख लो, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। मैं कमेंट कर रहा हूँ कि जहाँ पर जनरल आपने वीडियो देखा, चांदी का हाथी रख लिया हर सिचुएशन में, तो वहाँ क्या नुकसान हो जाते हैं वो भी मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूँगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब सबसे पहले बात करूँगा कि चांदी के हाथी का उपाय है क्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। हाथी कुछ इस तरह का होता है, चांदी का हाथी, ये चांदी का ठोस हाथी है। ये चांदी का ठोस हाथी, हमने पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यहाँ कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया। तो चांदी का हाथी खरीदने के लिए बिल्कुल भी हमें कॉन्टैक्ट ना करें। जो लोग हमारे से परामर्श लेते हैं और उनकी पत्रिका के हिसाब से ये बनता है कि ये चांदी का हाथी रखना चाहिए, हम उनको उपलब्ध ज़रूर कराते हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए आप खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में जाकर खरीदिए। हम यहाँ बेचने के लिए ये वीडियो नहीं मैं आपसे शेयर कर रहा, इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ। कई और वीडियोस में भी जब हमने वीडियो किया तो हज़ारों क्वेरीज आ जाती हैं, उससे कोई उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम इस तरह से उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें। अब ये जो चांदी का हाथी है ये हॉलमार्क है। अब ये चांदी का हाथी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये ठोस हाथी है। अब ठोस हाथी क्यों, ठोस हाथी इसलिए क्योंकि खोखला अगर हाथी आप रखेंगे तो उसमें बुध का समावेश हो जाता है। तो हमें ठोस हाथी रखना है ताकि उसमें बुध का समावेश ना हो, पहली चीज। अब ये रखा क्यों जाता है, हाथी क्यों रख रहे हैं, जो चांदी है वो चंद्रमा से संबंधित है। हाथी राहु हाथी माना जाता है। हम ये लेके चलते हैं कि अगर राहु को शांत करना है तो हम चंद्रमा का प्रयोग करेंगे, लेकिन किन सिचुएशंस में। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बात करी, अगर राहु फिफ्थ हाउस के अंदर है, संतान संबंधी दिक्कतें भी बहुत बार देखने में आई है, सरकारी कामकाज से दिक्कत आना, आपकी पढ़ाई कंप्लीट करने में दिक्कत आना, अगर ऐसी कुछ समस्याएं आ रही हैं तो हम चांदी के हाथी को रखने के लिए कहते हैं। अब चांदी का हाथी रखा कैसे जाता है पहले ये समझ लीजिए, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये जो चांदी का हाथी है, आप ये देखेंगे इसकी जो सूंड है वो नीचे की तरफ है। सूंड दो तरह से रखी जाती है हाथी की। अगर हमें राहु को एक्टिवेट करना है तो हम इस सूंड को ऊपर की तरफ रखवाते हैं, और अगर हम उसे शांत करना है, क्योंकि वो जो ऊपर सूंड वाला हाथी है हम उसे मानते हैं कि वो एक्टिवेटेड है, चिंघाड़ रहा है,
और जब हम नीचे कर दिया हमने, तो इसका मतलब हमने यहाँ हाथी को शांत कर दिया। अब ये चांदी का हाथी लिया जाता है, इसका जो राइट पैर है ये आगे की तरफ होगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जो पैर है इसका आगे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखवाते हैं कि ये जहाँ पर राहु उच्च के रिजल्ट देता है, तो राहु को शांत किया, साथ के साथ राहु के अच्छे रिजल्ट्स भी ले लिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं इसका वेट कितना होना चाहिए। मिनिमम 50 ग्राम प्रेस्क्राइब्ड है, फिफ्थ हाउस की बात हो रही है अभी, लेकिन बेटर रहेगा आप मिनिमम 60 ग्राम लेके चलिए, 60 से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। अब ये हाथी रखा कैसे जाता है, इसके लिए एक चांदी की कटोरी का प्रयोग किया जाता है। ये चांदी की कटोरी है, ये चांदी की कटोरी ली आपने, इसके अंदर ये हाथी खड़ा हो जाता है। आप ये देखिए इस तरह से खड़ा हो जाता है। हमने क्या करना होता है, इसके अंदर हम पानी डालते हैं थोड़ा सा। हम आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने रखना है ताकि आप ठीक से उपाय कर सकें। ये देखिए, ये जो हमने इसमें पानी डाला, हाथी को इसके अंदर खड़ा कर दिया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो हाथी के पैर हैं वो इस पानी में डूबे हुए हैं। अब इससे क्या होगा कि जो पानी है वो चंद्रमा से संबंधित है, तो इसका मतलब ये है कि राहु को हमने शांत कर दिया। जो राहु फिफ्थ हाउस में आपको प्रॉब्लम्स कर रहा था, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अचानक लॉसेज हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हम ये हाथी रखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे बेस्ट रहता है। नॉर्थ में क्यों, क्योंकि राहु उच्च का। मैंने एक एक चीज़ आपको लॉजिक से बताई है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया कहीं भी रख लो। उस नॉर्थ डायरेक्शन में राहु उच्च का माना जाता है, तो सिक्स्थ हाउस के रिजल्ट देता है, जहां राहु उच्च का रिजल्ट देता है, तो इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर नॉर्थ डायरेक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, चांदी का हाथी है, कटोरी रखनी है, कहीं और कोई अल्टरनेटिव, तो एक अल्टरनेटिव यह है कि आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, मंदिर में रख दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस हाथी को नियमित तौर पर एक तो इसका पानी चेंज करते रहिए, जो इसके अंदर पानी है कटोरी के अंदर वो चेंज करते रहिए रोज, और दूसरी बात यह है कि आप इसको हर गुरुवार या कोई एक दिन ऐसा बना लीजिए उसमें स्नान जरूर कराएं, चाहे सोमवार का दिन बना लीजिए। एज सच कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि किस डे स्पेसिफिक स्नान, किस तरह से कि आप वाटर लेकर इसके ऊपर पोर कर देंगे। इससे क्या रहेगा कि हम राहु को शांत कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फिफ्थ हाउस का उपाय। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर राहु ने आपकी ज़िंदगी में उत्पात मचा रखा है, तो वो उत्पात आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों की मेंटेनेंस भी अच्छे से करिएगा, प्लेट अच्छे से साफ़ रखिए, चमकीली रखिए, उसको रेगुलरली साफ़ करिए, पानी बदल लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि और जो पानी, अब लोग ये पूछते हैं सर पानी कहाँ करें, जो पानी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी के अलावा किसी भी पौधे में वो पानी डाल दीजिए। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर गंगा जल यूज़ कर सकते हैं, गंगा जल अगर हो तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्योंकि सब लोगों के पास गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पाता उतनी मात्रा में, इसलिए मैंने कहा कि प्लेन जल आप नॉर्मल सादा जल ले लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात तो मैंने कही फिफ्थ हाउस की। अब इसके अलावा एक हाउस और है जिसके अंदर राहु का ये उपाय कराया जाता है, वो है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस जो हाउस है वो राहु का और बृहस्पति का जॉइंट माना जाता है। लेकिन अगर 12वें घर में आपका राहु ख़राब हो जाए, तो आप देखेंगे एक तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चे ज़्यादा होने के साथ साथ अचानक लॉसेज हो रहे हैं, बहुत बार कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में जहां राहु बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा, बिल्कुल आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अचानक लॉसेस होते चले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 12वें घर के लिए मिनिमम 120 ग्राम का चांदी का हाथी, चांदी का हाथी ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस उसका वेट बढ़ जाएगा। 120 ग्राम का चांदी का हाथी इसी तरह से चांदी की कटोरी में आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख लीजिए, या जैसे मैंने कहा कि घर के मंदिर में रख दीजिए, उसका पानी बदलती रहिए, तो उससे राहु जो आपको नुकसान दे रहा है वो आपके नुकसान होने बंद हो जाएंगे। अब आखिरी बात जो लोगों को नहीं पता कि ये हर हाउस के लिए उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं फर्स्ट हाउस में भी उपाय कर लो सर, सेकंड में भी कर लो, सेवन्थ में भी कर लो, नाइन्थ में भी कर लो, टेंथ में भी कर लो, उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि और जो हाउसेस हैं उनके स्पेसिफिक उपाय उपलब्ध हैं। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर राहु को एक्टिवेट रखने की ज़रूरत है वहाँ पर ये उपाय नहीं कराया जाता। बहुत सारी कंसल्टेशंस में हम राहु फिफ्थ हाउस में होता है,
ट्वेल्थ हाउस में होता है तब भी ये उपाय नहीं करवाते। उसकी वजह ये है, मान लीजिए आपके राहु फिफ्थ हाउस में है, आप कह रहे हो सर राहु से संबंधित समस्याएं आ रही हैं मुझे, तो ऐसा नहीं है कि राहु से संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो बिना आपकी पत्रिका के एनालिसिस के और बिना ये देखे कि आप किस तरह का काम करते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आईटी से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग आजकल एआई फील्ड में चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये उपाय नहीं कराते। क्यों? क्योंकि राहु हमें वहाँ एक्टिवेटेड भी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने राहु को शांत बहुत ज़्यादा करा दिया तो उसके बाद अब जब क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। देखिए हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, हमें ये देखना है कि किस समय पर किस दवाई की ज़रूरत है। ये नहीं कि केमिस्ट की दुकान खुली हुई है आप कोई भी दवाई उठा लो, हर दवाई यूज़फुल है और हर दवाई नुकसान करेगी अगर गलत प्रेस्क्राइब हो गई, तो ऐसी स्थिति में ये उपाय से बचना चाहिए। तो जनरल उपाय नहीं है ये राहु चांदी का हाथी रखने का। लोग ये सोचते हैं कि चांदी की इन्वेस्टमेंट है सर हमने कर ली, अब रखा हुआ है तो पता चल रहा है कि क्रिएटिविटी ही ख़त्म हो गई लाइफ से। और आप ये बात ध्यान रख के चलिएगा, हर व्यक्ति राहु पर कुछ ना कुछ डाल देगा कि राहु की वजह से ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये भी तो देखिए कि आज के युग में हम राहु की इन्वॉल्वमेंट के बिना जी नहीं सकते। मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ तो राहु से ही संबंधित है, तो हमें ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसी का यूज़ करके सब कुछ पैसा कमा रहे हैं और हमने उसको शांत कर दिया, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।